हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड। सो हम आए हुए थे, आज है संडे और हमें खानी थी मैगी। सो हम खाने आए थे मैगी और आप देख सकते हैं काफी बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारिश, फिलहाल बारिश और बारिश में भी कितने सारे लोग अभी एससी घाट पे हैं। तो आइए अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ शॉप्स खुली हैं न्यू। जैसे कि आप इसके बनारस में आएंगे तो चलते हैं आप पहले घाट पे और आइए चल के दिखाते हैं शाम में बारिश में 80 का व्यू। आपने ऐसे 80 का व्यू तो बहुत ज्यादा देखा होगा लेकिन बारिश वाला व्यू नहीं देखा होगा। तो आइए चलिए और देखते हैं आगे कैसे कैसे क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा अच्छा मौसम हो चुका है, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5:30 ही बज रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बनारस में आज ये तीसरी बारिश है मार्च में। सो ऐसा नहीं है, कुछ लोग गए नहीं है, सारे लोग अभी घाट पे ही हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइम जैसे कि अभी बारिश हो रही है मार्च के मौसम में, तो इस टाइम पे अच्छा तो काफी लगता है, मुझे तो बारिश बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन ये इस टाइम किसान के लिए बहुत खराब चीज है, उनका जो मतलब गेहूं का फसल होता है वो खराब हो जाता है। तो चलिए, ये तो खैर अब प्राकृतिक कुदरत की चीज है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन फिलहाल यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। ये आरती की प्रिपरेशन हो रही है अभी 80 घाट पे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को खानी है मैगी और मैं सिर्फ एक जगह की मैगी खाती हूँ, मुझे वहाँ की मैगी बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम लोग उसी के लिए आगे जा रहे हैं घाट से ही। सो अभी आप देख सकते हैं बारिश हो रही है लेकिन कितने सारे लोग बैठे हुए हैं आरती के लिए। कुछ ही देर में 80 घाट पे होने वाली है आरती, और आरती यहाँ की बनारस की आरती गंगा घाट की काफी फेमस होती है। हमारे यहाँ पे पहले सिर्फ और सिर्फ दशाश्वमेध पे आरती होती थी लेकिन अब हर एक घाट पे आरती होती है और उस जिसमें से 80 घाट भी है। तो आइए और देखते हैं आगे, चलिए मेरे साथ। अच्छा फ्रेंड्स, आपको एक चीज बताना था, आप ये देख सकते हैं मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरा ड्रेस फट गया है। देखो फट गया, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी, और ये फट गया मेरे पति के बाइक में। तो फिलहाल मैं गरीब लग रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ बैठ जाऊँ। Joking, you know? So, खैर अब इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं किट 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 कुतर दूंगी और उसके बाद फिर मैं न्यू ड्रेस बनाऊंगी। थैंक यू। कौन सा चैनल? पृथ्वी चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं ये अभी हमें घाट में मिले और इन्होंने पूछा कि दीदी आपका चैनल क्या है। सो मैं वही उनको बता रही हूँ कि चैनल क्या है, बट यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आ नहीं रहा है, मेरा चैनल नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। और मुझे भी दीदी बहुत अच्छी लगी, तो प्लीज इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये बनारस बहुत अच्छा शहर है और यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मैंने देखा तो मुझे लगा की यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बात करना चाहिए, तो इसलिए मैं आया। कुछ लोग हमें मिलते रहते हैं, कुछ सब्सक्राइबर होते हैं और कुछ पूछने के लिए कि कौन सा चैनल है आपका, तो वही मैं बता रही थी कि हमारा कौन सा चैनल है। तो अभी हम जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर। तो फ्रेंड्स, आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे आरती का व्यू कैसे, अभी आरती की तैयारियाँ हो रही है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आरती की तैयारी हो चुकी है।
आप यहाँ पे शाम की आरती देखने आ सकते हैं। दोनों टाइम यहाँ पे आरती होती है, तो हम आरती अभी आपको कुछ देर में दिखाएंगे, बट फिलहाल अभी आरती में है टाइम, तो हम लोग जा रहे हैं मैगी खाने और फिर आके आपको दिखाते हैं यहाँ की आरती को। तो अब चलते हैं आगे क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलिए अब चलते हैं। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अपने स्थान पे और ये वही स्थान है जहाँ पे मिलती है बहुत ही टेस्टी मैगी, और ये आपकी मिलती है सीधे जहाँ पे अस्सी घाट लिखा हुआ है, यानी कि पिज्जा टाउन। पिज्जा टाउन के जस्ट नीचे ये मिलता है मैगी। मैगी कितने की है भैया? 50 की, सिंपल और हर तरीके का। तो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे 50 रुपए की मैगी मिल रही है, चाहे आप जैसी भी मैगी लीजिए, और 10 रुपए की चाहे, जिसके लिए आपको ये लेना पड़ेगा टोकन। और ये जब हम टोकन देंगे तो हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। इनका कुछ साइन होता होगा कि रेड से मैगी होगी या इससे चाय होगा। मैगी चाय भी तो चाहिए, चाय का टोकन नहीं लेना पड़ेगा? अच्छा, तो चाय का टोकन नहीं है, सिर्फ मैगी का टोकन है। तो आइए आप बात करते हैं उस जुलमी आदमी से जिसने मेरे ड्रेस का ये हाल किया। तो आइए बात करते हैं। वो आदमी जिसने मेरे कपड़े का ये हाल किया है और मुझे 10 बातें भी सुनाई हैं। बताइए आप, कुछ नहीं हुआ है, ये इनकी गलती से नहीं हुआ है, ये इनकी आदत से हुआ है। ये 9 या 10 बार है, पहले पिछली बार मैंने बोला था। अच्छा, ये क्या गलती थी? क्यों हुआ गलती? अरे मुझे की आदत, अब ये कैसे सही होगा ये बता दीजिए। आप इसको पहन के घूमेंगे तो आपकी आदत सही है, कपड़ा भी नहीं सही है। ये कैसे सही होगा ये बताइए। करिए कि ना से पूरा लाइन इतना खत्म कर दीजिए, इतना लंबा लटका था। ये इतना लंबा लटक रहा था तो इतना लंबा लग गया। अब मैं आपको पूछती हूँ, एक और आदमी से वो बता ये मेरे पास शब्द नहीं है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हम पीए बन के यहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि हम पीए बनने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम घूमने थोड़ा सा हम कैमरा कॉन्शियस है, तो थोड़ा सा हमें देखने में शर्म आता है। मैं यहाँ बच्ची नहीं है, छोटी बच्ची हो क्या? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इस तरह से बलून वगैरह लगा के घूमते रहते हैं। और देखिए आप, ये है मंदिर यहाँ पे 80 घाट पे। चाहे आप इस रास्ते से आए या फिर आप आगे जाके पार्किंग वगैरह में गाड़ी अपनी खड़ी करके इस साइड है, तो आपको ये मिलेगा। ये मंदिर है, हाँ, इसके जस्ट अपोजिट लगती है हमारी ये मैगी। सो अब देखिए मेरी मैगी हो रही है फिलहाल अभी रेडी, और आप इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए फ्रेंड्स। मैं अभी आपको थोड़ी देर में आरती दिखाने वाली हूँ कि यहाँ की 80 घाट की आरती किस तरह से होती है और कैसी लगती है। रेडी हो चुकी है और अब हम चल रहे हैं आरती के साइड पे, और आरती भी दिखाएंगे और आपको, और ये मैगी भी खाएंगे। तो अब चलते हैं आगे। आ जाइए हुई है यहाँ पे, अभी तैयारी भी हो रही है, और जैसे जैसे आरती होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। विश्वनाथ की जय।
यहाँ फ्रेंड्स बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई थी और काफ़ी लोग सारे इधर उधर भागने लगे थे बारिश से बचने के लिए। सो यहाँ पे लोग देख रहे थे कहाँ पे वो रुक सकते हैं क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज़, उसके बाद फिर एकदम से बंद हो जा रही थी। बट हम लोग वहीं पे रुके हुए थे क्योंकि मुझे आपको पूरी आरती दिखानी थी। सो अभी मैं आपको फिर से आरती दिखाऊँगी, बट थोड़ा सा अभी बारिश हो रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। Oh,
है तो अभी तबीयत ज़्यादा मेरी ख़राब हो जाएगी, फीवर था मॉर्निंग में, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ से निकल गई हूँ। और बहुत मेहनत से बनाया है, आप मेरी मेहनत को देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपने देखा होगा काफ़ी लोग यहाँ पे अगर बारिश के साथ हुई तो भागने लगे थे, सो बस वो इसी वजह से था कि बारिश की वजह से पड़ते हुए आरती करनी है। यही है माँ गंगा जी का दिल, भी आप देख सकते हैं इसको, किसी भी मतलब क्या कहते हैं उसको, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती है तो मैं भी आपको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, बट एक चमत्कार से कम नहीं है। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, इन लोगों ने जो आरती कर रहे हैं कंटिन्यू हो रही है। सो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू, टाटा।